मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रदेश के जनपदों की महिला कृषकों से अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया तथा कहा कि कृषि आधारित कार्यों में महिलाओं की सहभागिता सर्वाधिक है। महिलाओं को आदिकाल से महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, उनमें अपार क्षमता होती है। यदि महिला शिक्षित होंगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। इन्हें हर शासकीय कार्यक्रमों से जोड़ा जाए, जो कि जब महिला सशक्त होगी तो देश और समाज सशक्त होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 18% महिलाओं भू स्वामी हैं। किसानी में भी सबसे मुश्किल काम जैसे रोपाई, पशुपालन हेतु चारा आदि की व्यवस्था महिलाओं द्वारा की जाती है। अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि कोरोना काल के दौरान महिलाओं ने मास्क बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के साथ ही आर्थिक रूप से मजबूत करने एवं स्वावलंबी की दिशा में प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मिशन शक्ति पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार कर बल दिया तथा कहा कि इस अभियान में विभिन्न विभागों के दायित्व निर्धारित किए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गोरखपुर NIC से जुड़े प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने महिला कृषकों को बधाई देते हुए कहा कि मिशन शक्ति का शुभारंभ 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री द्वारा देवीपाटन मंडल से किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंब प्रदान करना है। कृषि मंत्री ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, खेती का अधिकांश काम महिलाएं करती हैं। महिला कृषक खेती का प्राण है। इस अवसर पर गोरखपुर NIC से 20 महिला कृषक जुड़ी रही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, संयुक्त निदेशक कृषि, उप निदेशक कृषि सहित अन्य अधिकारी और महिला किसान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, मतलब उनको लिख पाएंगे कि नहीं ये पता पूछ के हमें बताइए अभी 2:30 बजे से। हम ऐसी कर लें जो भी है वो जो हमारे पर देते हैं वही लोग को हम बुलाते हैं और वो हम जान वर्षी है, उसमें अभी बहुत कम महिला है जो ओनरशिप रखती है भूमि की, एग्रीकल्चर लैंड की। मालूम है कि फार्मिंग का बहुत बड़ा काम जो है एग्रीकल्चर का हमारी महिलाएं करती, चाहे पशुपालन से जुड़ा हो चाहे वो कृषि से जुड़ा हो, बस इसको हम महिलाओं से जुड़े और उसका ज्यादा प्रचार होता है। तो उसका एक तरीका ये है कि हमारे पास एक जो हमारी ग्राम विकास की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं की बनी हुई है लाइवलीहुड मिशन में, उनसे हम लोग को टाई अप करना चाहिए एक्सटेंशन सर्विसेज का, ऑनलाइन हो चाहे वो मीटिंग्स हो। और अगला जो हम लोग का कार्यक्रम होगा चाहे मिलेट फार्मर स्कीम का हो चाहे पाठशाला हो किसान पाठशाला का, तो उसमें हम लोग चाहेंगे कि हम लोग अवश्य जुड़े इस कार्यक्रम से, हम लोग अवश्य जुड़े। और LRLM के लाइवलीहुड मिशन के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको भी बुला के साथ साथ रखें अधिक से अधिक, क्योंकि अभी 6 महीने तक चलेगा पूरा हमारा ये भविष्य में जितने भी कार्यक्रम होंगे उसमें आपको यही ब्रांडिंग करनी होगी और इस ब्रांडिंग के बेसिस पे आपको आगे कार्यक्रम चलाना होगा। और अधिक से अधिक महिला कृषकों को, और महिला कृषक का मतलब ये नहीं कि वो कृषक जो ओनरशिप रखती हो लैंड की, हर घर में जो काम ओनरशिप ना भी हो लेकिन वो काम कर रही है खेतों में तो कृषक हो गए। धन्यवाद निदेशक जिन्हें हमारे कृषि ने काफी संक्षिप्त में लेकिन पूरी तरह से कार्यक्रम की और आगे 6 महीने जो कार्यक्रम चलेंगे उसकी एक रूपरेखा बताई। सभी यहाँ पर महिला कृषकों का, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का, कृषि विभाग से जुड़े कर्मचारियों का, जनप्रतिनिधियों का स्वागत है। मैं ये कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के ही जो उनका अपना एक उनकी प्रेरणा है और लीडरशिप है उसके आधार पे ये कार्यक्रम ये शुरू किया है जो इस नवरात्रि पे कल से आरंभ हुआ है, जिसमें मिशन जो है शक्ति इसको नाम दिया गया है। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्यक्रम आरंभ हुआ है और इसमें कृषि विभाग की एक महत्वपूर्ण सहभागिता है। और ये सहभागिता इसलिए है क्योंकि यद्यपि प्रदेश में अगर हम देखा जाए कि कृषक के भू स्वामी कौन है तो 82% पुरुष है जो कृषि भूमि को स्वामी रखते हैं, लेकिन 18% ही महिला है। और ये 18% भी अगर आप देखें तो राष्ट्र औसत का ज्यादा, राष्ट्रवाद देखें तो केवल 12% महिलाएं
किसान कृषि भूमि पे नहीं, ये क्यों हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि राज्य सरकार ने पहले तो जब कृषि भूमि थी, जब वो ट्रांसफर होती थी हेरिडिटी पे, तो केवल पुरुष लोगों को मिलती थी, लेकिन राज्य सरकार ने उसमें अमेंडमेंट लाया था और एक उसमें एक सुधार लाए थे और अब महिलाओं को भी जो है कृषि भूमि पर सहभागिता ओनरशिप मिल रही है, जिसकी वजह से प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी ये बहुत कम है। खेत तालाब बनाए जा रहे हैं, ये है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी जो है योजना है करना, ये हम लोग का वो है पार्ट है। और ये सारी चीजें जो है ये हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, स्रोत है, उनको उसको संरक्षित करने में बहुत सहायक होते हैं। और दूसरा जो है जैसे आपका मृदा का है, मृदा में जो है हमारा अभी बहुत ज्यादा अभियान चल रहा है, जैसे पराली जला देना, जब हम उसके महत्व को नहीं समझेंगे, हमारी जो मिट्टी की ऊपर की सतह है ये बहुत फर्टाइल होती है, बहुत ही इसकी क्षमता उर्वरा क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी, अब आप क्या करेंगे, आप फिर उसमें फर्टिलाइजर का फिर लेके आएंगे, आपको उस कृषि निवेश के लिए अलग से पैसा खर्चा करना पड़ेगा, जिससे हम जो है इसका हमारे पास जो ऑलरेडी उपलब्ध स्रोत है उसको हम दूसरा आपका पशुधन के जो अपशिष्ट होता है ये बहुत ही लाभ हमारे लिए इसका प्रबंधन बहुत आवश्यक है। मैं मैं सबके समक्ष विभाग की तरफ से और यहाँ उपस्थित जितने भी महिला कृषक, महिला उद्यमी और समय विभागीय अधिकारी है, सबकी तरफ से माननीय कृषि मंत्री जी का स्वागत करता हूँ। गोरखपुर में उन्होंने व्यस्त समय से भी इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला है, जो इस बात का साक्षी है कि इस कार्यक्रम को कितना महत्व है विभाग दे रहा है, ये जो नारी शक्ति को सशक्तिकरण करने के लिए, उनके लिए सम्मान देने के लिए, और मैं उनका स्वागत करता हूँ और स्वागत के साथ ही साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। आप इसको अगले वक्ता को कल नवरात्रि की शुरुआत से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरे उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति करके अभियान चलाया जा रहा है, और जिसमें विभिन्न प्रकार से महिलाओं मातृशक्ति को सशक्त किए जाने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज अभी कृषि विभाग के द्वारा महिला किसानों को पूरे प्रदेश के सभी 75 NIC के माध्यम से उन्हें महिला किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं ये उनको जानकारी दी गई है, उन्हें शिक्षा समानता और अवसर मिले इसके दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने व्यवस्था किया है, और उन योजनाओं का वो लाभ उठा करके और अपने आर्थिक समृद्धि को की ओर आगे बढ़ें और आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर हों, इसके लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। उनका सुरक्षा सम्मान और सशक्त होना आवश्यक है, और इस दृष्टि से जैसा विभिन्न ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जो समाज के लिए जो है वो एक तरीके से अपमानकारक हैं और नहीं होना चाहिए, तो लोगों को जागरूक किया जाए, इस दृष्टि से ये अभियान चल रहा है। हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि तेल उत्पादन में देश आत्मनिर्भर बने, उसमें उत्तर प्रदेश अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहता है, और उस दृष्टि से हम किसानों को 74 रुपए किलो के बीज को हम 65 रुपया उनको भारत सरकार की मदद से उन्हें अनुदान देंगे, और उन्हें हमारा ये कोशिश है कि हम प्रदेश के भीतर 10 लाख हेक्टेयर सरसों और तिलहन के आच्छादन को, जो रवि का आच्छादन है, उसको हम बढ़ा करके आगे ले जाएं, जिससे कि हमारा देश तिलहन के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके, जैसा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चाहा है कि देश हमारा सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बने, तो तिलहन उत्पादन में भी देश आत्मनिर्भर बने, उसमें यूपी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के भीतर तिलहन का उत्पादन करके करेगा।